स्क्रीन दिख रही है कर्नेल? नील सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अनुजा आपको आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आ रही है आवाज, यस सर, अभी तो आ रही है। ठीक है स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था आपका क्लीपर, ठीक है। क्लीपर कमले कंप्लीट किया था, क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्राई किए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लैम्पर, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लैम्पर। बेसिकली क्लैम्पर क्या करता है, क्लैम्पर क्या करेगा, कोई भी आपके पास सपोज किसी भी क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट क्या करेगा, आपके पास कोई भी सपोज वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म को विदाउट डिस्टोर्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देगा। सपोज इसका आउटपुट आपके पास इस टाइप से भी आ सकता है, दिस इज़ अ इनपुट ऑफ क्लैम्पर सर्किट एंड दिस इज़ अ आउटपुट ऑफ क्लैम्पर सर्किट। ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो सकता था। तो किसी भी जो सर्किट के अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट वेव फॉर्म है उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट किस तरीके से डिज़ाइन होता है क्लैम्पर का, अ क्लैम्पर कंसिस्ट अ डायोड रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। कैपेसिटर ही क्या करेगा, दैट शिफ्ट्स अ वेव फॉर्म टू डिफरेंट डीसी लेवल विदाउट चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। क्या बोला था मैंने कि विदाउट डिस्टोर्शन ऑफ द अप्लाइड सिग्नल, बेसिकली कोई भी आपके पास सिग्नल होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ड्यू टू कैपेसिटर द सिग्नल शिफ्ट्स अपवर्ड एंड और डाउनवर्ड, राइट। अब वो किस तरीके से मूव करेगा, क्लीपर सर्किट में हमने नोटिस किया था, क्लीपर सर्किट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था, एक रजिस्टर एंड डायोड बैटरी ये सब अवेलेबल था, और क्लैम्पर सर्किट में क्या एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या अवेलेबल होगा, कैपेसिटर। अगर किसी भी सर्किट में आपके पास कैपेसिटर अवेलेबल है देन इट इज़ बिहेव लाइक अ क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे किस तरीके से वेव फॉर्म को शिफ्ट करता है क्लैम्पर सर्किट। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो आपके क्या आएगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, बेसिकली वोल्टेज को स्टोर करेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज आपके पास एक सर्किट अवेलेबल है, दिस इज़ अ क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट आपके पास अवेलेबल है, कि यहाँ पर कैपेसिटेंस इस पोजीशन पर गिवन है, डायोड गिवन है एंड दिस इज़ अ रेजिस्टेंस सपोज आर, एंड वोल्टेज दिस इज़ अ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस सर्किट एंड दिस इज़ अ इनपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये नोटिस कीजिए कि डायोड अगर यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो इट विज बिहेव लाइक अ आइडियल डायोड। आइडियल डायोड मीन्स व्हेन डायोड इज ऑन इट मीन्स अ शॉर्ट सर्किट, व्हेन डायोड इज ऑफ इट इज अ बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है। तो आइडियल डायोड में इस तरीके से हम लेते थे, और सिलिकॉन डायोड में हम पॉजिटिव प्लस माइनस 7 वोल्टेज एंड 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम में हम 0.3 वोल्ट कंसिडर करते थे इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, राइट। तो सपोज इस सर्किट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटेंस की वर्किंग क्या होती है। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस टाइप से एक अरेंजमेंट अगर आपके पास गिवन है, सपोज प्लस माइनस आपने दिया यहाँ पर इनपुट दिया, तो जो कैपेसिटेंस का चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम जो होता है, अगर मैं टॉ से डिनोट करूँ, दिस इज़ अ चार्जिंग टाइम टॉ सी, और टॉ सी क्या होगा आपका आर इंटू सी, ठीक है। अगर मैं टॉ डी की भी बात करूं तो वो क्या होगा आर इंटू सी, डिस्चार्जिंग टाइम भी आपके पास क्या होगा आर इंटू सी एंड चार्जिंग टाइम भी क्या होगा आर इंटू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका चार्जिंग टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। बिकॉज अगर हम सिंगल कोई कैपेसिटेंस कंसिडर करते हैं तो उसकी सी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगी। अभी मैंने आपको बोला चार्जिंग टाइम इट इज़ अ आर इंटू सी एंड डिस्चार्जिंग टाइम इज़ आर इंटू सी, सपोज आर वन एंड आर टू। तो
अगर मैं ये आपको क्लियर करूं कि R1 की वैल्यू आइडियली लेस होनी चाहिए और R2 की वैल्यू R1 एंड R2 की वैल्यू आइडियली लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट का या आपके पास सपोज आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, उसका चार्जिंग टाइम तो क्या होना चाहिए लेस, वो जल्दी से चार्ज हो जाए, और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होना चाहिए उसका लार्ज। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इन दैट केस इन क्लैम्पर सर्किट R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस और R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए लार्ज, तभी आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पे क्लियर होगा। तो यही पॉइंट नोटिस करते हैं। अब हम अगर हम चेक करेंगे तो क्लैम्पर सर्किट में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट आपका कैपेसिटेंस चार्ज होता है, देन डिस्चार्ज होता है, हम वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम आइडियली ये कंसीडर करके चलते हैं व्हेन डायोड इज ऑन। अगर आपका डायोड ऑन होगा तो ऑन मींस शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट मींस रेजिस्टेंस इज जीरो। रेजिस्टेंस इज जीरो तो इसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो उस केस में हम क्या मान के चलते हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन डायोड इज ऑन कैपेसिटेंस इज चार्ज, ठीक है। ये कंसेप्ट है पूरे क्लैम्पर सर्किट में, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि डायोड जब ऑन होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज होगा। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि डायोड ऑन होने के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, जीरो। शॉर्ट सर्किट हो गया ये, शॉर्ट सर्किट मीन्स इसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा, तो चार्जिंग टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ही लेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंस्टेंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जनरली थियोरेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं क्लैम्पर सर्किट को, स्टेप्स कुछ लिखे हैं यहाँ पर, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ क्लैम्पर सर्किट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ क्लैम्पर सर्किट। स्टार्ट द एनालिसिस बाय एग्जामिनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल दैट विल फॉरवर्ड बाय द डायोड। अभी आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि किस साइकिल में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है। जैसे सपोज अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूँ तो आप ये देखेंगे जब यहाँ पॉजिटिव साइकिल आएगी इट मीन्स दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव। इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द पी साइड ऑफ डायोड एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द एन साइड ऑफ डायोड, देन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस साइकिल में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइकिल में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड दैट डायोड इज इन द ऑन स्टेट, इस पीरियड में क्या हो जाएगा, डायोड इज इन ऑन स्टेट, एज्यूम दैट द कैपेसिटर विल चार्ज अप इंस्टेंटेनियसली टू अ वोल्टेज लेवल डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग नेटवर्क। बेसिकली क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटेंस क्या होगा, इंस्टेंट चार्ज हो जाएगा। तो इंस्टेंट चार्ज मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग हम एक वोल्टेज एज्यूम कर लेंगे जिसको बोलेंगे VC, वोल्टेज VC, और जो भी हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। जैसे पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, V, ठीक है। तो अगर हम इस केस में, अगर मैं फर्स्ट इस सिनेरियो में जब हमारा डायोड ऑन है तो अगर मैं KVL अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा, V-VC=0, देन VC=, क्या आ गया आपके पास। तो फाइनली इंस्टेंट कैपेसिटेंस चार्ज हो गया और आपकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, वी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, वी। तो फर्स्टली हमें कैपेसिटेंस को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि डायोड कब ऑन हो रहा है। सेकेंड स्टेप इज कि डायोड को ऑन करके वहाँ KVL अप्लाई करके आपको कैपेसिटेंस चार्जिंग की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने इस सिनेरियो में कैलकुलेट कर लिया VC=V। नेक्स्ट स्टेप एक बार कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देंगे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप इज यस। अब सर्किट थ्योरेटिकली जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हम एक एजम्पशन लेंगे
अजम्पशन ये लेंगे कि आपका जो भी डायोड है, जो भी जब हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, ये सीनेरियो बनेगा, इस टाइप से क्रिएट होगा, दिस इज अ कैपेसिटेंस, और यहाँ पर आपके क्या लगा हुआ, इनपुट वोल्टेज, दिस इज अ इनपुट वोल्टेज। जब आपका डायोड ऑफ है उस सीन में हम क्या मान के चलेंगे, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चार्जिंग वोल्टेज ही हम एज्यूम करके चलेंगे, दैट इज अ वी इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो एज्यूम दैट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डायोड इज इन द ऑफ स्टेट, व्हेन द डायोड इज इन द ऑफ स्टेट द कैपेसिटर होल्ड्स ऑन टू इट्स एस्टेब्लिश्ड वोल्टेज लेवल, दैट इज वी वोल्ट। तो ये ज़ूम करके चलेंगे हम, ये हमेशा क्या रखेगा, वी वोल्ट जो चार्ज हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, रिप्लेस द डायोड विद एन ओपन स्विच एंड ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। फाइनली आपके पास जो सर्किट बना था उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस वी नॉट को कैलकुलेट करेंगे और आपके पास वेव फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी। जैसे जनरली अब मैं आपको ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे। मैं वन बाय वन नील, डाउट है कुछ अभी तक, अभी तक जितना बताया? हाँ नील, नो सर। ओके। जनरली सपोज ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास, आपको कैलकुलेट क्या करना है, वी नॉट इक्वल टू, वी नॉट कैलकुलेट करना है, वी नॉट की वेव फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या कहा था, दिस इज अ क्लैम्पर सर्किट बिकॉज इट कंसिस्ट अ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब फाइनली इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हम ये चेक करेंगे कि डायोड का फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस इज चार्जिंग। अब वो चार्जिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया टॉ इक्वल टू आर सी से, क्योंकि जब डायोड आपका पास ऑन होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इन दैट केस कैपेसिटेंस इज चार्ज। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया पॉजिटिव साइकिल में आपका जो डायोड है वो चार्ज हो रहा है, तो पॉजिटिव साइकिल में जैसे ही हम एज्यूम करके चलेंगे दिस इज अ शॉर्ट सर्किट एंड दिस इज अ वी नॉट, ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट हो जाएगा तो ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सी। तो फाइनली इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज एज्यूम, ये वोल्टेज क्या लेंगे, उस पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वोल्टेज। सपोज अगर यहाँ साइनसोइडल होता तो इस वैल्यू, इस पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वोल्टेज क्या होती है आपके पास, वी वी एम, बिकॉज ये जो कैपेसिटेंस है ये वी एम तक ही चार्ज हो सकता है, इसलिए हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो इस पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी आपके पास, वी, तो हमने वी से यहाँ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर एक हमने पोलैरिटी लेके एज्यूम्पशन ले लिया कि दिस इज अ वी सी। ठीक है, अब आपको केवीएल आप इस लूप में अप्लाई करेंगे, केवीएल आपको अप्लाई करना आता है, केवीएल एट लूप वन, फाइनल क्या होगा, वी माइनस ऑफ वी सी इक्वल टू जीरो, मीन्स वी सी इक्वल टू वी। तो आपको क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस चार्ज कितनी वोल्टेज तक हो गया आपके पास, वी वोल्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, और आप अगर इस सीन में ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में आप वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, मींस व्हेन डायोड इज ऑन इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल वी नॉट इज ऑलवेज जीरो। तो आप सीन के सेकंड देखते हैं, सेकंड के केस में हम नोटिस करते हैं इट इज़ अ ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट करते टाइम हमने ये एक अजम्पशन लिया था कि डायोड इज ओपन सर्किट, दिस इज अ सपोज वी आई, वी आई हम वी आई लेते हैं, ये नेगेटिव साइकिल का केस है, नेगेटिव साइकिल मीन्स हम इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप पॉजिटिव साइकिल का हम देख चुके हैं, नेगेटिव साइकिल हम ये वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास डायोड क्या हो गया, ऑन ऑफ, सॉरी ऑफ, दिस इज द रेजिस्टेंस आर एंड आउटपुट वोल्टेज इज, आउटपुट वोल्टेज इज वी नॉट। तो अब आपको, और हमने क्या अजम्पशन लिया था, एंड दिस इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ वी वोल्ट, बिकॉज चार्ज वोल्टेज। ठीक है,
तो फाइनली आपको टारगेट क्या था आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आप केवल अप्लाई कर देंगे इस लूप में, लूप नंबर टू, केवीएल एट लूप नंबर लूप टू अप्लाई करेंगे तो वी आई माइनस वी माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस ऑफ वी, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। अब इस केस में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे कंप्लीट, वी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट मैं एक बार आपको इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वी आई माइनस ऑफ वी दिस इज अ इनपुट वोल्टेज वी आई, एंड हमने इनपुट वोल्टेज को एज इट इज ड्रॉ कर दिया जैसे कि हमने क्लिपर में किया था। दिस इज अ वी वोल्ट एंड दिस वन इज अ माइनस ऑफ वी वोल्ट। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है। तो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हमने पार्टीशन कर लिया, क्योंकि इस केस में डायोड ऑन है और इस पर्टिकुलर केस में डायोड ऑफ है। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो आपका ऑन स्टेट में आउटपुट वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, ज़ीरो। तो ज़ीरो आ रही थी तो आप फाइनली इसको ज़ीरो से प्लॉट कर देंगे। जैसे आपने ऑफ स्टेट में देखा था, ऑफ स्टेट में आउटपुट वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, वी आई माइनस वी। तो वी आई इस पोजिशन पर क्या है, वी आई इस पर्टिकुलर पोजिशन पर क्या है, माइनस ऑफ वी, सॉरी ज़ीरो है यहाँ पर। तो ज़ीरो है तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देख लेते हैं, माइनस ऑफ वी। देखो इस पॉइंट पर अगर इस टाइम टी वन पर देखेंगे तो वी आई की वैल्यू पहले ये कंसीडर करेंगे, फिर ये भी कंसीडर कर सकते हो और फिर ये भी कंसीडर कर सकते हो। जब आप ये कंसीडर करोगे तो ज़ीरो आ जाएगी, ये कंसीडर करेंगे सेकेंड वन, ये कंसीडर करेंगे तो माइनस ऑफ वी आ जाएगा। बिकॉज वी आई की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो वी नॉट की वैल्यू माइनस वी, देन वी आई की वैल्यू जब माइनस ऑफ वी रखोगे तो माइनस वी माइनस वी माइनस ऑफ टू वी। इस टाइप से ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ टू वी। ये हम एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं तो माइनस ऑफ टू वी यहाँ पर रहेगा। तो ये वेव फॉर्म अगर इसको हम थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं, ये वेव फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, इस इनिशियली वेव फॉर्म क्या थी आपके पास, वी आई। अब ये वेव फॉर्म क्या हुआ, वी वोल्ट डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट ने क्या किया, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं क्रिएट किया, वेव फॉर्म का शेप चेंज नहीं हुई है, बस क्या चेंज हुआ है, शेप जो सिग्नल है वो मूवमेंट क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दैट केस हमारे जो इनपुट वोल्टेज थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, आउटपुट वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक नील, यस सर। कर्नेल, रंजीत, किसी को डाउट है? हेलो सर, एक हाँ बार ये वेवफॉर्म सर वापस रिपीट कर देंगे। हाँ रिपीट। हाँ बेटा बोलो ना, पूछने पे ही क्यों ऐसे कर रहे हो, आपको बोल तो रखे है कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। देखो वेव फॉर्म आपको ये क्लियर है फर्स्ट, अभी किसने क्वेश्चन पूछा था, रंजीत आप थे? हेलो, यस सर, मैं था आपने रंजीत। माइक 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 ना अपना अनम्यूट ही रखा है ना। तो फाइनली आपको ये क्लियर था, जब आपके पास इनपुट वोल्टेज था पॉजिटिव वी, ये पोर्शन था, तो आपने नोटिस किया कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है वो जीरो है, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था। तो आपने क्या किया, यस सर, जीरो वेव फॉर्म प्लॉट कर दिया। जब हम इस सिनेरियो पे क्रिएट होते हैं जहाँ पर आपका रैपिडली चेंज हो रहा होता है वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म, तो आपके पास तीन पॉइंट क्लियर हैं कि ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है।
अब पॉइंट नंबर वन के अब हमारे पास वैल्यू क्या है, आपके पास वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी, राइट, यस सर। इक्वेशन है। तो पॉइंट नंबर अगर वन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर वी आई की वैल्यू क्या है, वी, वी आई की वैल्यू क्या हो गई, वी। तो इस इक्वेशन यस सर। में मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, वी माइनस वी इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट वन नंबर वन को मैं रिप्लिकेट यहाँ पर कर सकता हूँ, इसे वन डैश बोल देता हूँ, ठीक है। सेकेंडली मैं पॉइंट नंबर टू को रिप्लिकेट करता हूँ, पॉइंट नंबर टू पर वी आई की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट इज जीरो माइनस वी मीन्स माइनस ऑफ वी। तो पॉइंट नंबर टू यहाँ पर कहीं आएगा माइनस ऑफ वी करके, दिस इज अ पॉइंट नंबर टू, टू डैश। एंड पॉइंट नंबर थ्री कहाँ रिप्लीकेट होगा, पॉइंट नंबर थ्री पर वी आई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ वी, माइनस ऑफ वी मीन्स वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ टू वी। तो माइनस ऑफ टू वी कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, दिस इज अ माइनस ऑफ टू वी, द थ्री डैश। तो सिमिलरली आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, आपको आइडिया लग गया कि क्लैंपर क्या करता है, शिफ्ट कर रहा है। इन इन दिस केस आपका जो इनपुट वोल्टेज क्या है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है विद वोल्टेज वी, वी वोल्ट क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो आपके पास वेव फॉर्म क्या आ गई, ये वेव फॉर्म आ गई, ठीक है रंजीत, यस सर। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे रंजीत, उससे और आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके अब माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पर भी स्क्वायर वेव फॉर्म गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। कोई ऐसी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्क्वायर वेव ना गिवन हो, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, देख लेते हैं पहले, इनिशियल फेज है आपका, ये भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन के एक सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है, ये सर्किट गिवन है। तो सर्किट गिवन है आपको, क्लियर है कि वी आई आपको गिवन है, वी नॉट आपको कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया, दिस इज़ अ क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट मतलब कि आपकी जो इनपुट वेव फॉर्म है वो शिफ्ट होगी, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिपेंड करेगा अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं डायोड कब आपका ऑन हो रहा है, तो क्योंकि ऑन के केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस चार्ज। तो आप ये नोटिस करेंगे जब आपके साइकिल यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगी, बिकॉज जब नेगेटिव साइकिल आएगी दिस टर्मिनल बिहेव लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉइंट, एंड दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होगा, एन कनेक्टेड विद अ एन टाइप एंड पॉजिटिव कनेक्टेड विद अ पी टाइप। तो इस सीन में क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ अ फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। तो नेगेटिव साइकिल के केस में हमने अज्यूम कर लिया कि इट विल बी अ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल के केस में इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस ऑफ 20 वोल्ट, राइट। तो माइनस ऑफ 20 वोल्ट अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा था आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू से हम रिप्लेस करेंगे। तो हमने माइनस ऑफ 20 वोल्ट से हम रिप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 20 जस्ट, ठीक है। और उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। हमने अज्यूम किया कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज सपोज वी सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, केवीएल, केवीएल हमने लगाया। तो फर्स्ट केवीएल जैसे ही लगाया तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ लिखते प्लस वी आई, अब यहाँ पर -20 लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स वैल्यू इज -20, -20 माइनस ऑफ वी सी माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो वी सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 35। माइनस ऑफ 35 का मीन्स क्या है कि आपने जो पोलैरिटी ली थी वो पोलैरिटी को अगर आप इस डायरेक्शन में ले लें, माइनस प्लस 35 ऐसे लिख लें, तो हम माइनस ऑफ 35 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी हमने पोलैरिटी अज्यूम की थी उसको हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो अब प्लस माइनस 35 ले लिया जनरली।
ये क्लियर हुआ, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमने चार्ज चार्जिंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या था, अगर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप चेक करें, जब डायोड ऑन है तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल विद द 5 वोल्ट बैटरी, देन द वी नॉट इज 5 वोल्ट। तो डायोड जब ऑन होगा तो उस केस में वी नॉट की वैल्यू 5 वोल्ट होगी, और डायोड ऑन कब होगा, इन नेगेटिव साइकिल, राइट। तो अब हम फॉरवर्ड उस केस में बात करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड सिचुएशन में अगर हम पॉइंट आउट करेंगे, सॉरी, जब डायोड आपका क्या हुआ, रिवर्स बायस, ये रफ कर दूं मैं, क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? नील, सर क्लियर कर दूं ये, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर ठीक है, यस सर ठीक है। तो अब हमारे पास वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी सी की वैल्यू तो आई थी हमारे पास माइनस ऑफ प्लस 35, और ये हमने एनालिसिस कर लिया था। तो हमने नोटिस किया था कि अब हम चेक करेंगे कि वी आई की वैल्यू अदर साइकिल, जो हमारे पास एक तो हमने नेगेटिव साइकिल में चेक कर लिया, अदर साइकिल में क्या सीनेरियो बना, प्लस माइनस वी आई। अब दिस इज़ अ ओपन सर्किट एंड इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये केवल आपके पास एक बनेगा, तो वी आई प्लस 35 माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस 35। हम बस एक बार चार्ज करेंगे कैपेसिटेंस को, उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में वही अज्यूम करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आपने चेक किया, एक तो आपको पता लग गया था कि नेगेटिव साइकिल में तो आपके पास वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी हमने 35 गलत लिख लिया था, शायद हमारे पास वैल्यू आनी थी 25, बिकॉज -20 किसी ने नोटिस नहीं किया, ये पॉइंट -20 यहाँ पर था, प्लस माइनस वी सी हमने ये एज्यूम किया था, एंड दिस इज़ अ शॉर्ट सर्किट। जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -20 माइनस ऑफ वी सी माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, एंड वी सी इक्वल टू माइनस ऑफ 25, नॉट माइनस ऑफ 35। तो इसलिए हमने प्लस माइनस इसको 25 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस 25 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, दिस इज़ अ माइनस प्लस 25। अब जब डायोड ऑफ होगा तो हम केवीएल इस पोजीशन पे लगाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, वी आई प्लस 25 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस 25, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपके पास पॉजिटिव साइकिल के केस में क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, और नेगेटिव साइकिल के केस में वैल्यू क्या आती है आपके पास, 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब जनरली हम डायरेक्टली वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं, वेव फॉर्म आप देखेंगे ये आपके पास, देखो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई, नेगेटिव साइकिल में वैल्यू क्या है वी नॉट की, दिस इज अ वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 वोल्ट। एंड जैसे ही आपके पास पॉजिटिव साइकिल आई तो वैल्यू क्या है वी नॉट की, वी आई प्लस 25, एंड वी आई वैल्यू इज 10, तो 10 प्लस 25 मीन्स 35। इस टाइप से आपके पास 5 देन 35, 5 देन 35, तो ओवरऑल जो आपके पास जो वेव फॉर्म थी वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, क्लैम्पर सर्किट में किसी को डाउट है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप्स भी मैंने बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिया है। रंजीत क्लियर क्लियर है सब। है,
देखो सर। यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया है ट्राई। एक ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई देख लेते हैं एक। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। इस जो बुक में है आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ये जो मैंने नोट्स आपको शेयर करे हैं, नोट्स जो शेयर करे हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन अवेलेबल हैं क्लैम्पर सर्किट के बेस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, आपको क्लैम्पर सर्किट में कोई इशू नहीं आएगा फिर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और हर एक सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आउटपुट वेवफॉर्म भी बता रखी है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास एक सर्किट था। फाइनली आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन होगा, सिर्फ ये अवेलेबल नहीं होगा, ये दिस इज़ अ इनपुट एंड दिस इज़ अ सर्किट क्लैम्पर सर्किट। तो आपको ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें क्या चेक करना है, डायोड कब आपका ऑन हो रहा है। तो डायोड कब ऑन हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल में। पॉजिटिव साइकिल में ऑन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, दिस इज़ अ सर्किट, ये ऑन हुआ एंड दिस इज़ अ वोल्टेज V1 एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस R एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ V0, राइट। तो डायोड को ऑन किया हमने पॉजिटिव साइकिल में, और पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, V, प्लस माइनस V से हमने रिप्लेस कर दिया। ये किया हमने अजम्पशन ले लिया, देन दिस इज अ VC, पोलैरिटी अजम्पशन ले लिया। यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, V-VC-V1=0, मीन्स VC=V-V1, राइट। ये आपके पास क्लियर हो गया, VC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है व्हेन डायोड इज ऑफ। तो डायोड जब ऑफ होगा, तो सॉरी, इस केस में अभी हम वी नॉट भी कैलकुलेट करेंगे। तो वी नॉट जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो वी नॉट इज़ अ V1, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम। तो V1 के पैरेलल में क्या कैलकुलेट करना है, V0। तो V0=V1। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप क्या है कि व्हेन डायोड इज ऑफ, तो ऑफ होगा, ये डायोड हमने ऑफ कर दिया। इस केस में हमने सपोज VI ही कंसिडर कर दिया, VI यहाँ कंसिडर किया, और यहाँ पर दिस इज़ अ R, यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे आप, प्लस माइनस V0, दिस इज़ अ V1 एंड कैपेसिटेंस वैल्यू वोल्टेज इज V-V1। ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL इस टाइप से अप्लाई करेंगे, VI-V0-V-V1 =0, देन V0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, VI-V+V1, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको अगर ड्रॉ करना है, तो आपने देखा कि पॉजिटिव साइकिल में क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 वोल्टेज, दिस इज अ V1 वोल्ट, पॉजिटिव साइकिल में क्या आ रहा है, V1। एंड जब नेगेटिव साइकिल आएगी, तो नेगेटिव साइकिल के केस में क्या आ जाएगा आपके पास, VI-V+V1। तो नेगेटिव साइकिल के केस में यहाँ पर वैल्यू क्या है आपके पास, -V, VI की वैल्यू क्या है, -V। तो V0 क्या हो जाएगा, -V एंड +V1। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास, -2V+V1। तो इस पॉइंट को आप मेजर कर सकते हैं, दिस इज अ
माइनस टू वी प्लस वी वन, तो ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी हुई, टू वी। तो आपके पास ओवरऑल इस सिग्नल की लेंथ कितनी थी, टू वी। तो ओवरऑल ये सिग्नल शिफ्ट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन विद वी वन वोल्टेज तक, ठीक है। तो इस टाइप से आप सर्किट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है सबको? सेशन क्लोज होने वाला है, किसी को डाउट है तो आप बताइए। एक बार सब लोग माइक अपना अनम्यूट कीजिए, सभी हेलो सर। सभी। हाँ बोलिए। सर इसमें जो V1 आपने ड्रॉ किया है ना सर, हाँ बताइए। सर V1 इसमें एज्यूम किया है ना सर आपने? नहीं, V1 यहाँ पर गिवन था ना। नहीं सर, ये जो आंसर है ना सर, ड्रॉ किया हुआ आंसर इधर हाँ सर, इसमें V1 जो ड्रॉ आपने एज्यूम किया है ना सर, हाँ सर यही पूछना था सर, V1 अपन को कैसे पता पड़ेगा सर यहीं पर है? मैं बेटा, एक दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। और ये सीन तभी क्रिएट हो सकता है व्हेन वी इज ग्रेटर देन वी वन, ठीक यस है। वी इज ग्रेटर देन वी वन, तो वी वन इज लाइक इज प्लेस समवेयर दिस पोजिशन और दिस इन बिटवीन दिस पोजिशन, तो ओके सर, इसलिए हमने कहीं पर भी वी वन को कंसिडर कर लिया, ओके सर, ठीक है। ओके यस सर, तो ये एक सीनेरियो क्रिएट होगा, वी इज ग्रेटर देन वी वन, तो इस एरिया में कहीं वी वन लाई करेगा, ठीक है। ओके किसी सर, को कोई डाउट है? ये 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट कीजिएगा एक बार। मैं अगर डाउट है तो हम नेक्स्ट लेक्चर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चंस किसी को सॉल्व कराना है, माइक अनम्यूट करके आप रिप्लाई कीजिए एक बार। ट्राई करेंगे खुद से। अनुजा, ठीक यस सर, प्रेजेंट है, अटेंडेंस बोल दीजिए फिर। अनुजा, सर, कर्नेल, प्रेजेंट नील, सर, रजनीश, रजनीश, प्रेजेंट सर, रंजीत, प्रेजेंट सर, विकास, 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 आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। ठीक है, सेशन क्लोज हो रहा है अभी, आप ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन, और कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। थैंक यू।